स्वागत है। नागौर के मेड़ता सिटी के पास कुचीरा कस्बे में पूर्व मंत्री रामनिवास जी मिर्धा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। सभी ने मिर्धा की स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर जैन पीठाधीश्वर हरिनारायण जी शास्त्री ने प्रवचन दिए। वहीं पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा, पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी, युवा नेता रघुवेंद्र मिर्धा, मुंडवा प्रधान राजेंद्र फेडोदा, तेजपाल चौधरी सहित कई लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉक्टर सहदेव चौधरी ने कहा कि मिर्धा ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। मिर्धा साहब की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर मैं समझता हूं कि हम जब उनको याद करते हैं तो एक इतिहास दोहराते हैं और उस पिछले जमाने में चले जाते हैं जब आजादी के पहले के दिन थे और ये हिंदुस्तान और ये मारवाड़ और ये राजस्थान किन दिशाओं में था। आज मैं समझता हूँ जनरेशन को पता नहीं है, लेकिन पुराने लोगों को आज भी वो ये बातें याद हैं कि हमारा किसानों का जीवन किस तरह का जीवन था और किस तरह की व्यवस्थाएं थी, किस तरह का सामंती राज था और हमें किस तरह से जो है जीवन यापन करना पड़ता था। वो एक बड़ा विचित्र दिन था और मैं समझता हूँ कि उसको याद रखना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कौम अगर किसी अपने समाज की व्यवस्थाओं को, अगर पूर्वार्ध को, अगर पुरानी बातों को याद नहीं रखती है तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि पुरानी नई प्रगति के लिए जरूरी है कि आप इतिहास को याद रखें।